कभी पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना इन लड़कियों का सपना था, लेकिन आज ये लड़कियां सिर्फ स्कूल में ना सिर्फ पढ़ रही हैं, बल्कि वे खेल के मैदान में भी अपना जलवा दिखा रही हैं। नवादा के हमजा भारत मध्य स्कूल की इन 9 छात्राओं का चयन बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इन छात्राओं का कहना है कि इन्हें आगे भी मौका मिला तो वे पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन करना चाहती हैं। राज्य स्तरीय के लिए 400 मीटर रिले दौड़ में चयनित हुई हूँ। मेरे स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है, इसके बावजूद राजेश भारती सर ने हम लोगों को कड़ी मेहनत करके राज्य स्तरीय के लिए चयनित किया। इन लड़कियों का सफर कभी इतना आसान नहीं था। इनका कहना है कि वे जब भी घर से बाहर निकलती थीं, लोग ये कहकर आलोचना करते थे कि पढ़ने से क्या नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब से स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है तब से समाज के प्रति इनका नजरिया बदल गया है। मेरे पापा मम्मी कभी नहीं चाहते हैं कि बेटा बेटी में क्या अंतर है। मैं 100x4 रिले दौड़ में फर्स्ट लाई हूँ जिला स्तरीय पे, मैं पटना के लिए चयनित हुई हूँ। छात्राओं के बेहतरीन प्रदर्शन से जहाँ हमजा स्कूल के शिक्षक बेहद खुश हैं, वहीं इन्हें अफसोस है कि इनके स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है, जिसकी वजह से वे छात्राओं को उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जैसी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ही असर है कि नक्सल प्रभावित नवादा जैसे इलाकों से भी बेटियां घर से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रही हैं। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना।